और इस वीडियो में से बात करने वाला हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरा बैकग्राउंड जो है कि आर्कियोलॉजी का नहीं है, हिस्ट्री का नहीं है, तो क्या मैं जो है कि एमए इन आर्कियोलॉजी कर सकता हूँ क्या, आर्कियोलॉजी में करियर बना सकता हूँ क्या? तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि यूनिवर्सिटी ऑफ जो केरला है, यहाँ पर देखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, ये आपको ऑफर कर रहे हैं एमए करने के लिए आर्कियोलॉजी में। और टोटल जो है कितनी सीटें यहाँ पर है आप देख लीजिए, टोटल जो है कि 21 सीटें हैं, मतलब 21 सीटें टोटल हैं। और ये कह रहे हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है एनी बैचलर डिग्री, मतलब आपका बीए किसी भी सब्जेक्ट में हो आप यहाँ एलिजिबल हैं, बात समझ रहे हैं। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न हो तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरीज है तो आप इनको यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने दिया हुआ है, बात समझ रहे हैं। आगे यहाँ पर कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो लास्ट डेट एप्लीकेशन का है वो आपका है 11/5/2022। इसका मतलब है कि 11 जो मई है वो आपका जो है लास्ट डेट है अप्लाई करने का। तो आप अप्लाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लीजिए। और यहाँ पर लिखा है कि डेट्स फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब कि एंट्रेंस के लिए जो आपका डेट है वो आपका है 30 मई, 30 मई से लेकर के आपका 5 जून तक का जो टेंटेटिव डेट दिया गया है कि आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, मतलब आपको एक एंट्रेंस से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद जो आपका रैंक लिस्ट बनेगा वो पब्लिश आपका होगा 15 जुलाई को आपका जो है रैंक लिस्ट पब्लिश होगा। और इसके बाद जो है कि 10 अगस्त को आपका एडमिशन हो जाएगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा आपका हो जाएगा। तो ये मोटा मोटा लिस्ट है, इसको आप अपने हिसाब से ज़रूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स है, बात समझ रहे हैं। बाकी आपको मेरे ख्याल से यहाँ ट्राई करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी व्यवस्थाएं हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मालूम पड़ेगी, जैसे यहाँ पर बहुत सारे लैब्स हैं जिसमें जू आर्कियोलॉजी का लैब्स है, ठीक है। इसके बाद जो है कि सेरेमिक कंप्यूटर लैब्स है, बहुत सारी मतलब आपको व्यवस्थाएं यहाँ पर मिलेंगी। और ये आपको यहाँ पर एमए और एमफिल पीएचडी के लिए जो है कि आपको ऑफ़र किया जाता है, बल्कि ये यहाँ पर एक जनरल भी पब्लिश होता है जिसका नाम है हेरिटेज, जो कि यूजीसी लिस्टेड है, बात समझ रहे हैं। तो आपको मेरे ख्याल से यहाँ ट्राई करना चाहिए, और सीटें बहुत ज़्यादा नहीं हैं। और जिसका भी एडमिशन होगा मुझे पूरा उम्मीद है कि उसको एक अच्छी मतलब लाइफ स्टाइल यहाँ मिलेगी, ठीक है, मतलब एक अच्छा सा माहौल आपको मिलेगा यहाँ पढ़ने सीखने को, जैसा देखने को मिल रहा है। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहा होगा। तो आप अप्लाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।